चाश्त की नमाज, अवाबीन की नमाज, इशराक की नमाज एक है। चाश्त की नमाज का एक और नाम है जुहा। जोड़ जोड़ के सदके के लिए दो रकतें अगर कोई चाश्त की नमाज पढ़ लेता है तो ये काफी हो जाती है। सईदना अबू जर से रिवायत है कि आपने फरमाया जब आदमी पर सुबह होती है तो उसके हर जोड़ पर एक सदका वाजिब होता है, फिर एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहना सदका है, एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है, और एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना सदका है, और एक मरतबा अल्लाहु अकबर कहना सदका है, और अच्छी बात का हुक्म करना सदका है, और बुरी बात से रोकना सदका है, और चाश्त की दो रकत नमाज पढ़ लेना इन तमाम उमूर से किफायत कर जाता है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश्त की नमाज चार रकतें पढ़ा करते थे और जो अल्लाह चाहता ज्यादा भी कर लेते थे। अब्दुल्लाह इब्ने हारिस बिन नौफिल कहते हैं कि मैं आरजू रखता और पूछता फिरता था कि कोई मुझे बताए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाश्त की नमाज पढ़ी, तो मैंने किसी को ना पाया जो मुझसे ये बयान करे सिवाय उम्मे हानी के। उम्मे हानी जो अबू तालिब की बेटी है, उन्होंने खबर दी कि फतह मक्का के दिन रसूलुल्लाह दिन चढ़े आए, कपड़े का एक पर्दा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए डाल दिया गया, तो आपने गुस्ल फरमाया, फिर खड़े होकर आठ रकत नमाज पढ़ी। मैं नहीं जानती थी कि आपका कयाम लंबा था या रुकू या सजदा, तकरीबन सब बराबर बराबर थे, और मैंने इससे पहले और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाश्त पढ़ते नहीं देखा। इससे हमें ये पता चला कि चाश्त की नमाज आठ रकतें भी पढ़ी जा सकती, दो रकतें हैं वैसे लेकिन चार और आठ के बारे में मिलता है। सईदना अबू हुरैरा कहते हैं औसानी खलीली, मुझे मेरे जिगरी दोस्त, मेरे जानी दोस्त ने वसीयत की है, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन चीजों की वसीयत फरमाई, एक हर महीने में तीन रोजों की, दूसरी चाश्त की दो रकत की, तीसरे सोने से पहले वितर पढ़ लेने की। कासिम शहबानी से रिवायत है कि सईदना जैद बिन अरकम ने कुछ लोगों को देखा, वो चाश्त के वक्त में नमाज पढ़ रहे, तो फरमाया ये लोग खूब जानते हैं कि नमाज इस वक्त के अलावा दूसरे वक्त में अफजल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज अवाबीन उस वक्त होती है जबकि ऊंटनी के बच्चे के पांव जलने लगे, यानी सूरज बुलंद होकर गर्मी पैदा कर दे। यहां से हमें ये पता चलता है कि चाश्त की नमाज, अवाबीन की नमाज, इशराक की नमाज एक है। अल्फाज मुख्तलिफ इस्तेमाल में वक्त के तायुन के हवाले से बताया कि जब ऊंटनी के बच्चे के पांव गर्म होने लगे, यानी सूरज जो है वो अभी बिल्कुल ताजा ताजा निकला ही ना हो, थोड़ा सा वक्त गुजर जाए। और अबू हुरैरा से रिवायत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुहा की नमाज का एहतमाम तो अवाब ही करता है। जुहा एक चाश्त की नमाज का एक और नाम है जुहा। जुहा कहते ही चाश्त के वक्त को है, जुहा चाश्त का वक्त है, तो इसका अहतमाम तो अवाब ही करता है। रावी कहते हैं कि ये जुहा की नमाज सलातुल अवाबीन है, यानी उन लोगों की नमाज है जो हर वक्त अल्लाह की रजा जुई में लगे रहते हैं। तबरानी की रिवायत है।